वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ चेन्नई में। क्या आपको मालूम है, जब नेशनल ज्योग्राफिक की टॉप 10 बेस्ट फूड सिटीज की लिस्ट बनी थी, चेन्नई वाज वन ऑफ देम। और जब से मैंने देखा है कि चेन्नई में क्या क्या मिलता है, आई हैड टू कम ओवर। सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ चेन्नई फूड सीरीज। और भी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं। सो अगर मैं ये वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो मिस कर देती हूँ, मेक श्योर यू वॉच ऑल द पार्ट्स ऑफ चेन्नई फूड सीरीज। आज के वीडियो में हम ढेर सारा साउथ इंडियन फूड खाएंगे, हम चाट खाएंगे एंड वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स मोर गुड स्टफ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सो लेट मी टेल यू, आई मेक वीडियोस अबाउट फूड एंड ट्रैवल एंड दिस इज अ फूड ब्लॉग। कंसीडर सब्सक्राइबिंग इफ यू एंजॉय द वीडियो। लेट्स गो एंड हैव समथिंग, आई एम रियली हंग्री। आई हैव नाउ कम टू ईटिंग सर्कल्स और मैं अपने दिन की शुरुआत करने वाली हूँ बाई हैविंग सम गुड डोसा। सो यहाँ पे चल के डोसास खाते हैं। और वैसे ना मुझे थोड़ी फिल्टर कॉफी पीने की भी क्रेविंग हो रही है, तो वो भी पी लेंगे। दिस इज ईटिंग सर्कल्स राइट नेक्स्ट टू मी। मसाला डोसा हियर एंड इट लुक्स अमेजिंग। ऊपर इन्होंने वाइट बटर डाला है, सर्व्ड इट ऑन अ बनाना लीफ और साथ में दी है कोकोनट चटनी, सांबार एंड अ गार्लिक चटनी। का टेक्सचर दिखने में ही कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एंड द एजेस आर सो क्रिस्पी। इसके अंदर है आलू, मसाला डाला हुआ है ढेर सारा, चॉप्ड अनियंस, कोरिएंडर, मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा ना गार्लिक पाउडर भी इसमें दिख रहा है। वाओ, इतने अच्छे फ्लेवर्स हैं। डोसा की जो लेयर है ना, इट्स नॉट थिन, ओके, इट्स थिक बट इट्स सुपर क्रिस्पी। सबसे बेस्ट बात ये डोसे की है कि इसमें ना मिंट चटनी डाली हुई है अंदर। ये आपको ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है, दिस एक्चुअली इज अ मिंट चटनी एंड ओ माय गॉड द फ्लेवर्स इज ब्रिंगिंग, द चटनी एंड सांबार, एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट। वो मिंट चटनी का जो किक लगता है ना, इसमें वाइट बटर और घी दोनों डाला हुआ है। द सांबार इज स्पाइसी लोडेड विथ करी लीव्स। लव दिस बट आई लव द कोकोनट चटनी एंड द डोसा, हाईली रिकमेंड दिस। सो मैंने एक्चुअली अपने लिए एक फिल्टर कॉफ़ी ऑर्डर की थी क्योंकि मेरा गला ना थोड़ा सा बैठ गया है, बट द स्टाफ ओवर हियर रिकमेंडेड दैट आई शुड ऑल्सो ट्राई अ थट्टे इडली। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई थिंक इट्स कॉल्ड थट्टू इडली और थट्टे इडली, आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ इट्स प्रोनाउंस एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक इडली के ऊपर दे हैव पुट घी ढेर सारा, बटर, गार्लिक एंड घी पाउडर। सो दिस इज़ हाउ द इडली लुक्स लाइक। यू कैन सी यहाँ पे, देखिए पूरा घी यहाँ पे निकल रहा है, तो ढेर सारा घी है। घी के वजह से ये थोड़ा गीला गीला भी लग रहा है और ये सेम ही चटनी और सांभर है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस। बहुत फ्लफी है ये, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक इडली को ना घी में पूरा नहा दिया है, इतना सारा घी है। यू नो, जब मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया, वो जो कंफर्ट फूड टाइप फीलिंग आती है ना, वैसा आ रहा था इसमें। नॉट स्पाइसी एट ऑल, इवन दो द कलर लुक्स रियली रेडिएंट, इट्स नॉट स्पाइसी। ये जो इडली है, ये ना काइंड ऑफ कर्नाटका में एक स्टेपल ब्रेकफास्ट आइटम होता है। लुक एट ऑल दैट घी कमिंग आउट। लेट्स हैव अ फिल्टर कॉफी। इसमें इतना अच्छा फ्रॉथ आता है और इसकी खुशबू से ही मालूम पड़ रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। सुपर सुपर अमेजिंग। शक्कर इतनी नहीं डाली हुई होती है फिल्टर कॉफी में इन जनरल भी, तो थोड़ा सा वो बिटरनेस रहता है, बट द कॉफी लिटरली हिट्स यू इन द हेड, इट्स अमेजिंग। आफ्टर हैविंग दैट डिलिशियस ब्रेकफास्ट, इट्स नाउ टाइम फॉर लंच। और अब मैं आ गई हूँ सरवाना भवन में एंड आई एम गोइंग टू ट्राई अ थाली ओवर हियर। तो यहाँ पे एक्चुअली इट्स नॉट अ थाली, इट्स कॉल्ड अ मील ओवर हियर, सो आई एम ट्राइंग अ लिमिटेड मील। ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई सम फूड, आई एम रियली हंग्री। ऑल्सो दिस रेस्टोरेंट हैज़ अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। लेट मी टेक यू थ्रू देयर मेन्यू वन। सो यहाँ पर इनकी सारी स्वीट्स हैं, ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं, यहाँ पे डोसास है, पूरी है, दीज आर ऑल द कॉम्बोज। देन इनके पास नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस भी हैं, अगर आपको सिर्फ साउथ इंडियन फूड नहीं खाना है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
लंच इज फाइनली हियर. इट लुक्स सो गुड एंड दिस इज फॉर 125 रुपीज. इट्स अ लिमिटेड मील, मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है, इतना ही आपको क्वांटिटी मिलेगा. तो ये है राइस, दिस इज दही, बड़ई, सांबार, दिस इज अ सब्जी ऑफ आलू, रसम, ये एक और ग्रेवी है विच इज रियली स्पाइसी, इट्स कॉल्ड समथिंग कोलम्बू, दिस इज अवियल जो ब्रिंजॉल से बनता है, एंड दिस इज पायासम, दिस इज स्वीट. सो आई एम जस्ट गोना कीप पायासम असाइड. आई एम गोना टेक सम राइस, इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा रसम, मिक्स इट. I'm having this after so long. एक साल के बाद खा रही हूँ मैं. लास्ट टाइम मुन्नार में थी जब मैंने खाया था. द रसम हैज सच गुड फ्लेवर्स ऑफ टमेटो और अच्छे से वाटरी है जैसे रसम होना चाहिए. रसम और सांभार में यही मेन डिफरेंस होता है कि रसम बहुत ही टमेटोई और वाटरी होता है, बहुत ही सूपी टाइप, जबकि जो सांभार होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी वेजिटेबल्स होते हैं और वो दाल से बना हुआ होता है. लेट्स हैव सम सांबार एंड राइस नाउ. यू नो व्हाट आई हैड सीन एक वीडियो में कैसे खाते हैं साउथ इंडियन थाली, लाइक हाउ टू ईट इट प्रॉपरली, इज पहले ऐसे चावल ले लो और फिर बीच में ऐसे थोड़ी सी जगह बना लो, ठीक है, फिर ये सांबार डालो इसमें अच्छा खासा, एंड देन यू मिक्स इट ऐसे, एंड देन यू हैव इट. बहुत अच्छा है, बट दिस इज नॉट वेरी स्पाइसी. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई, दिस इज कॉल्ड कोलम्बू. दिस इज वेरी हॉट एंड स्पाइसी इन नेचर. आई थिंक इन सब में से मैंने अभी तक जो भी खाया सबसे स्पाइसी ये है. इसमें ना वेजिटेबल्स और दाल भी डाली हुई है. वन मोर थिंग जो मुझे इसमें लग रहा है डाला हुआ है इस पेपरकॉर्न अवियल. दिस इज मेड ऑफ ब्रिंजॉल. मैं ना ब्रिंजॉल सिर्फ घर का ही खाती हूँ, मैं इतना बाहर का नहीं खाती हूँ. I don't know. I'm not a big fan of brinjal, so I think I'll give this a pass. But if you like it, इसमें अनियन का भी एक अच्छा स्वाद है. मैंने अपने लिए थोड़ी चपाती भी मंगा ली है बिकॉज मुझे लगा ये आलू की सब्जी के साथ चपाती बहुत अच्छा जाएगा. पर ये मैं थोड़ी वड़े ही खा लेती हूँ उसके पहले, एकदम छोटू सी है. वेरी गुड. थोड़े थोड़े कोकोनट के पीसेस भी डाले हुए हैं इसमें. अब मैं थोड़ा परोठा ले लूँगी अलॉन्ग विथ सम आलू की सब्जी. इसमें थोड़ा सा घी डाला हुआ है, घी की टेस्ट आ रही है मुझे. अदरवाइज बहुत सिंपल प्रिपरेशन है, अनियन ही है, थोड़ा करी लीव्स है, हल्दी डाली हुई है. मैं थोड़ा पायासम खा लेती हूँ अभी. इसमें ना आलमंड्स भी डाले हुए हैं, हल्का सा केसर है. सो नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश दिस थाली एंड सी यू लेटर. जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो है बुहारी होटल. अब ये होटल बहुत पॉपुलर है फॉर वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन. ये होटल में अ डिश कॉल्ड चिकन 65 वाज इन्वेंटेड. चिकन 65 तो अब हर जगह पे मिलती है, बट दिस वाज द प्लेस व्हिच इन्वेंटेड इट. अब ये डिश को चिकन 65 क्यों बोला था ना, उसके पीछे तो बहुत सारी थ्योरीज है. लाइक सम पीपल से द मैरिनेट टुक 65 डेज इसलिए, और इट वाज इन्वेंटेड इन 1965, हेंस इट वाज नेम्ड चिकन 65. सो आई डोंट नो. चिकन 65 इज फाइनली हियर, दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. ये ना यूजुअल चिकन 65 जो मैं खाती हूँ उससे काफ़ी अलग है. ये थोड़ा एक इंडियन प्रिपरेशन लग रहा है. वैसे जो मैं चिकन 65 खाती हूँ वो ऐसे छोटे छोटे पीसेज होते हैं जो थोड़ा चाइनीज टाइप लगता है. मैंने सुना है कि इसका पूरा सीक्रेट इसके मसालों में है. बहुत गर्म है ये, दिस इज सुपर टेंडर. आई थिंक आई विल हैव टू यूज अ फोक एंड नाइफ बिकॉज दिस इज सुपर हॉट. एक्चुअली इज़ वेरी डिफरेंट कि हम जो चिकन 65 खाते हैं जो बहुत गार्लिकी होता है, बट ये जो मसाले डाले हैं उन्होंने, माय गॉड द मसाला आर सो गुड. दिस इज डीप फ्राइड. आप इसके कॉर्नर्स देखिए, एकदम अच्छे से फ्राई किया गया है. इसका जो मैरिनेशन प्रोसेस है मुझे उसमें लग रहा है कि कर्ड भी यूज़ किया गया है. यू ऑल्सो गेट अ लेग पीस. यहाँ के जो मैनेजर हैं ही वॉज टेलिंग मी कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी खा के गए हैं और ये प्लेस के अराउंड KBC में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था. तो
लाइट हाउस जाने के बाद हमने ऐसे ही थोड़ा चिल मारा और अभी थोड़ी सी भूख लगी है तो हम आ गए हैं एक और पॉपुलर जॉइंट पे. इट्स कॉल्ड A2B अद्यार आनंदा भवन और यहाँ पर मैं खाने वाली हूँ घी पोंगल. तो वो इतना हैवी नहीं होता है, मैंने ना पहले कभी घी पोंगल नहीं खाया है, सो इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. आई एम प्रीटी एक्साइटेड. उसके ही साथ मैं ट्राई कर रही हूँ पानी पूरी. तो इनके पास इडली है, डोसा है, देन इवन इन नॉर्थ इंडियन दे हैव रोटी, पनीर की सब्जी, लॉट ऑफ सब्जीज, दाल तड़का. देन चाट में बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास, जैसे भेलपुरी, समोसा, बहुत सारे ऑप्शन हैं एक्चुअली. बट आई एम गोइंग अहेड विद पानी पूरी. ओ इट्स फाइनली हियर एंड पोंगल. दिस इज पोंगल. It's served on a banana leaf पानी पूरी. तो मैं पहले पोंगल के साथ स्टार्ट करती हूँ. तो ये राइस से बनता है एंड इट्स टेम्पर्ड विद सम जीरा, थोड़ी दाल होती है इसमें एंड साइड में देयर इज चटनी एंड सांबार. तो राइस को बॉईल करके इसे बनाते हैं. इसमें देखिए थोड़े कैशू से, देन करी लीव से, बनाना लीव की भी एक अच्छी सी खुशबू आ रही है. Oh God, the ghee when it kicks you. Rice है जो इतना dry नहीं है, अच्छा सा wet है, but इसमें ना दाल ढेर सारी डाली हुई है. जो हम खिचड़ी नहीं खाते, मुझे थोड़ी थोड़ी उसकी टेस्ट आ रही है. फिर थोड़ा सा इसमें हिंग भी लग रहा है मुझे, एकदम थोड़ा सा. एंड दिस चटनी, दिस आई थिंक इज अ वेरी गुड इवनिंग स्नैक. यहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट के तौर पे भी खाते हैं. सांबार की टेस्ट भी बहुत अच्छी है. आई नो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये खाने का, बट एब्सोल्युटली एंजॉयड इट. पानी पूरी खा लेते हैं. इसके अंदर मुझे आलू दिख रहा है, तो थोड़ी सी हम ये चटनी डाल देंगे और थोड़ी ज़्यादा तीखी, क्योंकि मुझे तीखी पसंद है. पूरी है वो रवा की है. इसमें ना छोटे छोटे चना के पीसेस हैं, बॉयल्ड आलू है, रेड चिली पाउडर है, बट ये जो चटनी है पुदीने की, दिस इज सो गुड. कोरिएंडर का एक अच्छा पंच है. आई एब्सोल्युटली एंजॉयड द मील. हो आई एम सो ग्लैड कि मैंने अभी तक जो भी चेन्नई में खाया है, नथिंग हैज रियली डिसअपॉइंटेड मी. अभी हमने पोंगल खा लिया, अभी शाम का टाइम है और डिनर करने में ना थोड़ा टाइम पड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ. नंद्री. So I just learned के तमिल में थैंक यू को नंदरी बोलते हैं. नंदरी. आई एम स्टिल लर्निंग. सो इट्स डिनर टाइम एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट मील ऑफ आर डे ऑब्वियसली. सो आई वॉज एक्चुअली क्रेविंग फॉर सम चाइनीज फूड. तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ एट दिस प्लेस कॉल्ड द नूडल थ्योरी. यहाँ पे एक्चुअली वोक स्टाइल चाइनीज बनता है, सो दे प्रिपेयर वोक्स. And I was actually thinking I'll have some noodles and some dumplings. I was honestly craving for Chinese. ये प्लेस टी नगर में आता है. यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स अबाउट ऑल द प्लेसेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके सो हियर ये जो वोक है, इट्स फॉर 219 रुपीज़. मैं अपना वोक कस्टमाइज कर सकती हूँ. आई कैन सेलेक्ट माय बेस, आई कैन चूज माय वेजीज, प्रोटीन सॉस एंड एवरीथिंग. इट्स फॉर 219 रुपीज़. सो आई एम गोना गो विथ fresh noodles. For protein I'll go with paneer, mushroom, corns, broccoli, some peppers, bell peppers, and I can choose one more. I can choose 5 vegetables or main capsicum dal deti hu. So I'll go with Szechuan. Okay, so for garnishing I'll go with fresh red chilies. So wok ka to maine decide kar liya hai. Apart from that they have starters, dim sums, desserts, goli soda. So I'm just gonna select whatever I need and I'll see you in a while. Okay, the dinner is finally here. I actually saw it जब वो लाइव बना रहे थे. जो उन्होंने थोड़ा सा रेड चिली डाला है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इट हिट माई नोज. नूडल्स ऐसे काफ़ी पतले हैं जैसे वोक में होते हैं. ये इन्होंने एक वुडन प्लेट में ऐसा थोड़ा दिया है. जो ना कब से चाइनीज खाने का मन हो रहा था. इट्स नाइसली स्पाइस जस्ट द वे आई लाइक इट. इफ यू समवन जिसे इतना स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, दिस कैन बी अ लिटिल स्पाइसी फॉर यू, बट मेरा स्पाइस लेवल टॉलरेंस अच्छा है, सो आई एम रियली एंजॉइंग दिस. इसमें सिर्फ शेज़वान सॉस नहीं है, थोड़ा सोया सॉस एंड चिली सॉस भी है. इसमें कॉर्न्स जो हैं दैट्स ब्रिंगिंग इन स्वीटनेस. लव द फ्लेवर्स.
Love this. That is why I love wok, you know. I can select what I want, even from vegetables to sauce and everything. इसमें ना हल्का सा sadness है, वो मुझे सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा है. Apart from that, absolutely love this. I've also ordered some cheese and mushroom dumplings, and I don't know how to use chopsticks. मैं अभी वही देख रही थी YouTube पे. Let's see. This has cheese, ढेर सारा चीज, मशरूम की भी ऐसे अच्छी क्वांटिटी है. This is like a garlic dip. It's good. It's good. ऐसा बेस्ट नहीं है, but ऐसे चलेगा. I like the wok more. I love this place and Goli Soda was amazing too. So guys, this is it for today's video. I hope you guys enjoyed it. Make sure you like this video if you enjoyed this video. Also remember that this is just part 1 of Chennai food series. Aur bhi bahut sare parts aane wale hain jispe main aapko aur bhi delicious food dikhane wali hoon. So make sure that you have subscribed to my channel and hit the bell icon. Okay, before ending this video, I'm going to give a quick comment shout out to two people jinko mera video dekh ke muh mein pani aa jata hai and they feel hungry. ऐसे लगता है कि मेरा जो मिशन है इट हैज बीन अकम्प्लिश्ड. पिंडी गर्ल वाइन्स एंड लिजा दत्ता, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग. आई एम गोना सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो खुश रहो. बाय.